हेलो एवरीवन, इट्स पूजा मुंडोतिया फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स. सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. आई हैव 10+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव 3 डिग्रीज, दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टूडे इज चूजिंग स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th. सी, यू गाइज आर वेरी यंग, इज 15 ईयर्स ओल्ड. सो नो 15 ईयर्स ओल्ड रियली नोज वॉट ही और शी इज डूइंग, वॉट आर द करियर ऑप्शंस. The students of your age are probably just listening to their parents, like what stream they should choose and other career opportunities. But students, it is your career, your life, so you need to choose your career according to your skills, abilities, and most importantly, आपका interest क्या है. Instead, आप college में जाकर अपनी stream change करें, उससे better है कि उसे wisely choose करना. No need to run behind your friends. कि आप सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, यू गाइज आर वेरी यंग एंड इनोसेंट. सो राइट नाउ रिलैक्स एंड नो नीड टू पैनिक अबाउट योर रिजल्ट्स, बिकॉज वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक, लाइक विच स्ट्रीम वी शुड चूज, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स. सी, पीपल हैव दिस मेंटेलिटी दैट इफ यू गॉट 80-90% या 90 के ऊपर है तो वी शुड गो फॉर साइंस, या उससे कम आया तो हम कॉमर्स लेंगे, और अगर बहुत कम है तो हम आर्ट्स लेंगे. आर्ट्स में तो शायद कोई स्कोप ही नहीं होता है, आर्ट्स में तो कुछ कर ही सकते नहीं है, जो भी होता है सब साइंस में या थोड़ा कुछ कॉमर्स में होगा. सी, दीज ऑल आर योर मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है. और ऐसा कोई नहीं है कि इनमें से कोई भी स्ट्रीम कम है या फिर कोई भी स्ट्रीम में कोई भी इश्यूज है. ठीक है, तो हमें आज देखना है कि हम आफ्टर आवर 10th स्टैंडर्ड हम लोग कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज करें. सी, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी, मराठी, जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद हम वो सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं. बट नाउ यू पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज सब्जेक्ट ऑफ योर ओन चॉइस. आप अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो. तो इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज करना, अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल, अपने एबिलिटी के हिसाब से हमें हमारा स्ट्रीम, हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने. ठीक है, सो विल स्टार्ट फर्स्ट विथ साइंस स्ट्रीम. सी, साइंस स्ट्रीम इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीम. साइंस में दो ग्रुप है, ठीक है, वी हैव टू ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स. दैट इज, फर्स्ट इज नॉन मेडिकल, उसमें सब्जेक्ट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. देन सेकेंड है हमारा मेडिकल, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. ठीक है, नाउ कुछ बच्चे मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों ही लेते हैं बिकॉज इससे उनके करियर ऑप्शंस जो है वो बढ़ जाते हैं. लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी वास्ट हो सकता है एंड इनके इनको साथ में पढ़ना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. तो जिन बच्चों को नॉन मेडिकल में ज़्यादा जाने में इंटरेस्ट है, मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, दे शुड गो फॉर PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. एंड द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, लाइक उनको डॉक्टर बनना है या फिर मेडिकल में जाना है, दे शुड गो फॉर बायोलॉजी, दैट इज PCB. नाउ वॉट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन मेडिकल. ठीक है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, आप बन सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, इंडियन डिफेंस सर्विसेज में, एंड ऑल्सो आप कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में BSc कोर्स भी कर सकते हो. एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर मेडिकल, ऑब्वियसली सबसे पहला ऑप्शन डॉक्टर, देन नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, एंड अगेन यू कैन डू BSc कोर्स इन एनी वन सब्जेक्ट. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है टू बिकम अ साइंटिस्ट. यानी अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको इंटरेस्ट है कि मुझे भाई साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, तो ये स्ट्रीम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि आपको ये चीज़ क्यों चूज करनी है. सी, साइंटिस्ट बन के यू कैन वर्क विद द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लाइक इसरो एंड DRDO एंड एक्सेट्रा. साइंटिस्ट बनने के लिए बच्चे कोई भी एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्पेशलाइज आप कोर्स आप कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर फर्दर स्टडीज एंड ऑल्सो यू कैन डू PhD. साइंटिस्ट बनने के और भी पाथ हो सकते हैं, बट दिस आर सम ईजी थिंग्स, लाइक यू कैन वर्क विद टू बिग इंस्टीट्यूट, इसरो एंड DRDO. देन वी हैव आर्ट स्ट्रीम, जिसको लोग समझते हैं कि इससे इसका कोई फ्यूचर नहीं, इसमें कोई करियर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. जिन बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिनको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, सोशियोलॉजी में, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, साइकोलॉजी, इन सब में आपको इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट स्ट्रीम चूज कर सकते हो. वैसा बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई करियर नहीं, लेट्स सी आपको क्या
अपॉर्चुनिटीज जो है वो आर्ट्स में मिल सकती है। सी लॉ, आप लॉ कर सकते हो, ठीक है, आपने बीए किया, आप एलएलबी कर सकते हो, देन यू कैन बी अ लॉयर। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, यू कैन बी आईएएस, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप लैंग्वेजेस में यहाँ पे कोर्सेस कर सकते हो एंड ऑल्सो यू हैव अपॉर्चुनिटीज इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो आपको आर्ट्स भी अपॉर्चुनिटीज देता है करियर के लिए, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में कुछ नहीं होता, जिनके बहुत कम परसेंट आते हैं वो आर्ट्स लेते, ये एक मिथ है जो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देन वी हैव कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। अब कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, सी यू हैव इकोनॉमिक्स, यू हैव बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, देन इंग्लिश कंपलसरी होता है एंड मैथ्स और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में ऑप्शन है। जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी, दे कैन गो फॉर एसपी, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। और कॉमर्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, जिनको सीए बनना है, जैसे आपके अपॉर्चुनिटी सबसे जो बड़े कोर्सेज है, आप अगर कॉमर्स लेते हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट लॉ, मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। सो ये आपके अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर यू चूज कॉमर्स। तो हमारे जो भी तीनों स्ट्रीम्स हैं, इन तीनों में बहुत अच्छा स्कोप है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी स्ट्रीम जो है वो किसी से कम है। तो आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कीजिए। ये जो तीन स्ट्रीम है सभी कॉलेजेस में ऑफर की जाती है, बट आई विल सजेस्ट बिफोर यू चूज एनी स्ट्रीम डू प्रॉपर रिसर्च अबाउट द स्ट्रीम। आप प्लीज़ अपना इंटरेस्ट देखो, अपनी स्ट्रेंथ भी, एंड देन चूज द स्ट्रीम। डोंट गो फॉर रैट रेस कि मेरे फ्रेंड ने ये चूज किया तो मैं भी वो चूज कर लूँ। नहीं, आपका इंटरेस्ट अलग है, आपके फ्रेंड का इंटरेस्ट अलग है। आप लोग को रैट रेस में नहीं पार्टिसिपेट करना है, आपको अपना करियर बनाना है, तो स्ट्रीम को बहुत ही वाइजली आपको चूज करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट डू वॉट यू लाइक। आप अपनी स्ट्रीम को बहुत ही केयरफुली चूज कीजिए और जो आपका इंटरेस्ट है उस पर फोकस कीजिए। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।